कूड़ा क्यों किया यहाँ पे? अभी मैंने सफाई की ना। हाँ? क्यों किया? एक तरफ से सफाई करते हो, एक तरफ से गंदे क्यों करते हो आप? सॉरी मम्मा। और कहाँ पे लगे आपको? और भागेगी? ठीक है ठीक है, नहीं मारूंगी। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, हम सब मस्त हैं और मेरा सारा घर का काम हो गया है। अब मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं आज आलू बड़ी की सब्जी और चावल। नन रुक जा। और नन अभी यहाँ भाग रही थी, दीवार पे उसके सर पे लग गया, यहाँ पे दाना निकल आया। तो थोड़ा मैंने बाम वगैरह लगा दिया कि ठीक हो जाएगा। और मार्केट जाऊंगी अब थोड़ी देर में। भैया लोग चले गए थे मॉर्निंग में हॉस्पिटल मम्मी के लिए खाना लेके। और आज सुबह भी लोग भी आ जाएंगे बेबी को लेके, 5-6 बजे तक आएंगे शाम को। तब तो मैं थोड़ा बहुत तैयारी कर लेती हूँ वेलकम बेबी के लिए। तो थोड़ा तो मैंने बैलून लगा रखे हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। नीचे भी गिरे हुए। अच्छा, तो गाइज कुछ बैलून यहाँ हैं एक्स्ट्रा, और कुछ तो यहाँ लटका लिए हैं भैया ने और मैंने और दूसरे वाले भैया ने, तीनों ने मिलके किया था। क्योंकि उन्होंने कहा हम लेट हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ हेल्प करके चले गए हो। नो, क्या कर रहे हो? तो गाइज कुछ बैलून मैंने यहाँ फुला के रखे हैं रोहित ने और मैंने और मेरे बड़े वाले भैया ने, जो डैडी बन गए हैं उन्होंने ये लटका दिए हैं। और ये वेलकम वाला बैनर भी लगा लिया, वेलकम बेबी। और कुछ बैलून मैंने यहाँ लगा रखे हैं, ये तो मैंने ही लगाए बेड के ऊपर अभी। और अब कुछ यहाँ बेड पे रखूँगी, कुछ दीवार पे लगाऊँगी जो नीचे पड़े हुए हैं बैलून। तो गाइज आप सबको ना थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बेबी बॉय हो रखा है कि बेबी गर्ल है, तो थोड़ा सा तो इंतज़ार तो बनता ही है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आलू बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, तो मैंने आलू यहाँ पे थीच के रख लिए, सिलबट्टे में थीचे थे। एक प्याज काट लिया, एक टमाटर, दो हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन यहाँ पे पीस के रख लिया है। और बड़ी ये है मेरी मम्मी ने घर पे बनाए हैं, तो ये मैंने पता नहीं कब, कितने साल हो गए मुझे, 8-10 साल पहले खाए थे मैंने जब मैं गाँव में रहती थी, शादी से पहले 8-9 साल तो शादी के हो गए हैं। अच्छा दे दो गाइस, बेडी ना मेरी मम्मी ने यहाँ बना रखी है दिल्ली में, तो मांस वगैरह पता नहीं और क्या क्या डाल रखा है इसमें, शायद इसमें मूली नहीं, घिया डाल रखा, घिया और मांस पीस के बड़ी बना रखे हैं, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। और तेल भी हो चुका है गरम, थोड़ा थोड़ा मैंने भून लूँगी तो फिर टेस्टी हो जाते हैं, ये अच्छे लगते हैं। साफ सफाई क्यों करो? साफ सफाई अच्छा, और कौन डांटेगा फिर आपको? मैं डांटती हूँ। जब मैं आपको दिखाती हूँ, फाइनली पूरी तैयारी कर ली है मैंने, तो मैंने रास्ते में गेट, मतलब जो गेट है अंदर रूम का, तो उसके आगे फूल बिछा रखे जिसपे भाभी चल के आएगी, छोटे बेबी को लेके आएगी। और बेबी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डेकोरेशन कर रखा है फ्लावर्स से, और ये जो भी गद्दे तकिया वकिया रखे हैं मैंने, इस साइड मैंने पिल्लो रख लिए हैं। और ये तो मैंने आपको दिखा ही दिया चले नो। और अब आने ही वाले हैं, 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तब तक मैं थाली रेडी कर लेती हूँ। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा ये वेलकम डेकोरेशन, मैंने और मेरे भैया ने किया था, भाभी के लिए सरप्राइज है। तो बैलून वगैरह भैया ने लगा दिए, बाकी फ्लावर वगैरह जो भी बेड शीट में मैंने बेबी के लिए रखे हैं और मैंने किया है अभी। और मैंने ना थाली भी रेडी कर लिया है धूप जला के, और क्या बोलते हैं, दिया, फूल, चावल और टीका सब रख लिया है। और हाँ, एक मैं केक भी लाई हूँ, केक मैंने बेड पर ही रख लिया है, वो मैं आपको आपको बाद में बताऊँगी। ये साइड कर लेती हूँ पूरा। और ना तभी अभी कोई मेहमान भी आ गए थे, उनके लिए चाय चुई बनाई। ये होता है ना जब कुछ काम करना होता है ना जल्दी जल्दी, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई आ ही जाता है, तो फिर चाय चुई पी के चले गए वो दीदी लोग। और मैंने मटर भी छिलके रख लिए हैं और पनीर लेके आई, तो मैं पनीर और मटर पनीर बनाऊंगी, पहले बेबी का वेलकम कर लेती हूँ। तो मैं बहुत ही खुश हो रखी हूँ, मैंने अभी हाथ में भी नहीं पकड़ा बेबी को, तो एक्साइटेड बहुत हो रखी हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी हो रखी है ना। डांस कर दो जावेगा। अच्छा, और क्लैपिंग कैसे करेगी?
ऐसे नहीं, आप करोगे मैं डांस करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ननू कितने में था? तो गाइस भैया लोग पहुंचने वाले हैं और मैंने ना फोन को टीवी के सामने रख लिया है, और क्योंकि पकड़ने वाला कोई है नहीं, मुझे थाली पूजा की थाली भी लेके जाना है और फिर जो भी होता है वो करना है। ननू सही कहा, कितना मत और फोन को टच मत करना, क्योंकि रोहित और पापा गए हैं ड्यूटी। रोहित की तो नाइट ड्यूटी लगी है, तो अभी गया था वो 5:30-6 बजे, तो आएगा 12:00 बजे तक, पता नहीं कब तक आता होगा, मुझे भी नहीं पता है। तो और पापा आएंगे अभी 8:30-8 बजे, अभी तो 7:15 हो रखे हैं। तो तो गाइस जैसे कि आपने देखा सारी तैयारी कर ली थी मैंने, और आरती की थाली भी ना रेडी कर ली थी, वहाँ पे टेबल में रखी थी मैंने। तब तो मैंने बाबू की ना रोने की आवाज़ सुनी, रो रो के आ रहे थे वो, तो फिर मैं जल्दी फटाफट से गई आरती की और फिर नज़र उतारी। मम्मी लेके आई थी बब्बू को, क्योंकि भाभी आराम आराम से आ रही थी, तो फिर भैया के साथ पीछे से आराम आराम से आ रहे थे वो मम्मी। और नैना इतनी खुश हुई, इतना खुश हुई नैना ना कि पूछो ही मत। तो गाइज आप नैना को देख सकते हो, बिल्कुल भी फूल में ना पाँव नहीं रख रही थी, जो मैंने नीचे बिछा रखे थे, क्योंकि वो पहले ना ख़राब कर रही थी। तो मैंने बोला उसे जब तक मामी नहीं आ जाती तब तक बिल्कुल भी ख़राब मत करना, और जब मामी आ जाएगी उसके बाद तो खेल लेना उन फूलों के साथ। फिर मेरी भाभी आई, मैंने उनकी आरती उतारी, नज़र वज़र जो भी होता है वो सब कुछ किया मैंने। तो गाइज उसके बाद हम ननद भाभी बहुत खुश हुए गले लगा के, और फिर मामी ने अपनी भांजी को बहुत प्यार किया, क्योंकि 2-3 दिन से नैना भी बहुत मिस कर रही थी मामी का है, मामी का है लगी थी अंदर घर पे, मामी का है बाबू का है बस ऐसे ही बोल रही थी। तो गाइज फाइनली मम्मी और भैया भाभी और छोटा बेबी पहुंच गए हैं, और अब हम केक कट करेंगे। और मैं अपने भाई से पूछना चाहती हूँ कैसा लग रहा है, और भाभी को सरप्राइज कैसा लगा? मजा आ गया, थैंक यू, वेलकम।